Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this English video class. I am sure you all are good, happy and healthy at home. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy. We are doing the revision now. Since our course is already complete, so we are started with the revision work. I have completed the revision of lesson number 4. Now today I will start with the revision of lesson number 5. That is our visit to the vegetable shop. लेसन नंबर 4 था माई स्कूल, उसका मैंने रिविजन करा दिया है. नाउ आज हम लेसन नंबर 5 दैट इज आवर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, इस लेसन का आज हम रिविजन स्टार्ट करेंगे. आई विल रीड द लेसन वंस एंड एक्सप्लेन द लेसन इन शॉर्ट. सिंस वी हैव ऑलरेडी डन दिस लेसन, मैं पूरा लेसन बहुत डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है that I will do in short, then I will revise, I will explain the word meanings and the exercises. We will mainly revise the word meaning and the exercises. Okay children, so first I will just read the lesson and explain it so that you it will be like recapitulation. Bahut din ho gaye padhe hue, to maybe ho sakta hai lesson bhul gaye ho ki exactly lesson mein kya hai. So I will just read the lesson once and then explain it. Okay, a visit to the vegetable shop. Visit सबको मालूम है, कहीं जब हम घूमने जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह को देखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, विजिट. वन ब्राइट समर मॉर्निंग टीनाज मदर डिसाइडेड टू टेक टीना ऑन अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. द वेजिटेबल वेंडर Mohanlal had his shop on the corner of MG Street. The shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean and looked very colorful. One bright summer morning. Bright ka matlab kya hai? Bahut achhi si. Bright means very shining. Jise bright bolte hain bright colors. मतलब जो बहुत शाइन करते हुए कलर्स होते, वेरी ब्राइट ड्रेस, तो ब्राइट मीन्स बहुत शाइन, चमकता हुआ. सो इट वॉज अ ब्राइट समर मॉर्निंग. समर में मॉर्निंग्स आर नॉर्मली वेरी ब्राइट बिकॉज ऑफ सन, इतना तेज सुबह, इतनी तेज धूप रहती है, सूरज की रोशनी रहती है, इट इज ऑलवेज ब्राइट. सो एक ऐसी एक समर मॉर्निंग को टीना की जो मम्मी थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो टीना को लेकर के एक वेजिटेबल शॉप पे जाएंगे. टीना ऑन अ विजिट, टीना मे बी टीना हैज नेवर बीन टू अ वेजिटेबल शॉप, कभी टीना किसी वेजिटेबल शॉप में नहीं गई है, तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो टीना को लेकर के एक वेजिटेबल शॉप में जाएंगी. द वेजिटेबल वेंडर मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट. जो वेजिटेबल वेंडर जो था मोहनलाल, उसकी शॉप कहाँ थी? उसकी शॉप एमजी स्ट्रीट के कोने में थी. एमजी स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट. जैसे जो रोड्स होती, रोड्स के नाम होते हैं, कॉलोनीज के नाम होते हैं, रोड्स के नाम होते हैं सो दैट इट इज इजी टू रीच देयर. किस रोड पे कोई शॉप, इस रोड पे है, इस रोड पे है, तो रोड्स के नाम होते हैं. तो जो वेजिटेबल वेंडर, मतलब जो वेजिटेबल बेचने वाला था, वेंडर मीन्स सेलर, तो जो वेजिटेबल बेचने वाला था उसकी शॉप एमजी स्ट्रीट के एक कॉर्नर में थी. The shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean and looked very colorful. उसकी जो शॉप थी वो तरह तरह की सब्जियों से भरी हुई थी. Laden means एकदम भरा हुआ होना. Laden means full of, भरी हुई, ठीक है, loaded. तो उसकी जो शॉप थी वो अलग अलग तरह की सब्जियों से एकदम भरी हुई थी. एंड उसकी जो शॉप थी वो बहुत साफ सुथरी एंड लुक वेरी कलरफुल. वेरी ऑब्वियस दैट वेन सो मेनी वेजिटेबल्स फॉर देयर, इतने तरह तरह की वेजिटेबल्स होंगी तो शॉप तो कलरफुल लगेगी. पोटेटो, टोमेटो, कैरेट, ब्रिंजल, ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स, ऑरेंज वेजिटेबल्स, हर तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स, मतलब बहुत तरह की, बहुत कलर्स की वेजिटेबल्स आती हैं.
तो शॉप उसकी बहुत कलरफुल सी थी. टीना वॉज एक्साइटेड टू फाइंड सो मेनी कलरफुल वेजिटेबल्स. टीना जो है इतनी सारी कलरफुल वेजिटेबल्स देख करके बहुत एक्साइटेड थी. हर मदर आस्क्ड हर टू हेल्प सेलेक्ट द वेजिटेबल्स शी वुड लाइक टू टेक होम. उसकी मम्मी ने उसको कहा कि वो मतलब अपनी मम्मी की वो हेल्प करे कि टीना कौन कौन सी वेजिटेबल्स खरीदना चाहती थी. उसकी मम्मी ने उसको उन वेजिटेबल्स को सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करने को कहा. टीना पिक्ड अप सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन, अ फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट. तो टीना ने क्या क्या पिकअप किया? टीना ने कुछ ऑरेंज कैरेट्स लिए, कैरेट्स आर ऑरेंज इन कलर, कुछ ऑरेंज कैरेट्स लिए, एक बड़ा सा पम्पकिन लिया. पम्पकिन, यू कैन सी दिस पम्पकिन इन टीनाज हैंड. टीना के हाथ में ये पम्पकिन दिख रहा है. पम्पकिन जिसको हिंदी में कहते हैं कद्दू, जो गोल सा होता है, इट इज जो राइप होता है दैट इज येलो इन कलर, एंड जो थोड़ा कच्चा होता है दैट इज ग्रीनिश येलो इन कलर. तो उसने एक बड़ा सा पम्पकिन लिया, एक फ्रेश कॉलीफ्लावर गोभी लिया, कुछ जूसी टोमेटोज लिए और एक ब्राइट रेड बीटरूट. बीटरूट इज वेरी ब्राइट इन कलर, ऊपर से इट इज वेरी डार्क रेडिश टाइप का होता है, एंड वेन यू कट इट इट इज एब्सोल्युटली रेड, रेड मरून सा होता है, उसका पूरा हाथ में जूस लग जाता है. तो उसने एक ब्राइट रेड बीटरूट लिया. ओके, हर मदर पिक्ड अप 1 किलोग्राम ऑफ पोटेटोज एंड अनियंस ईच अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans and a big leafy cabbage. उसकी मम्मी ने क्या क्या सेलेक्ट किया, क्या क्या वेजिटेबल्स लिया उसकी मम्मी ने? उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटेटोज और अनियंस लिए along with a handful of coriander. Handful मतलब हाथ में जितना आ जाए, जैसे ना एक मुट्ठी जैसे. तो आजकल खूब ग्रीन कॉरियंडर होती है, तो जब जो वेजिटेबल्स जब हम खरीदते हैं तो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, साथ में इतनी थोड़ी धनिया भी दे देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं. तो उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटेटो लिया, अनियन लिया और साथ में हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लिया, और साथ में उन्होंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी लिया. क्या क्या लिया? बंचेस ऑफ स्पिनेच. स्पिनेच इज जो पालक होता है. तो जो साग जितने भी होते हैं, आप देखो कि वेजिटेबल वेंडर्स के पास भी वो साग उनका बंचेस में रहता है, वो उसको बंच बना बना के बांध बांध करके रखते हैं. तो बंचेस उसने कुछ एक स्पिनेच का एक बंच, कुछ बंचेस लिए, फ्रेंच बीन्स लिया और एक बिग लीफी कैबेज. कैबेज क्या होता है? कैबेज पूरी लीफ होती है, जैसे कॉलीफ्लावर में तो फ्लोरेट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कैबेज इज लीफ. तो एक बड़ी सी कैबेज ली. मदर बॉट टीनास फेवरेट वेजिटेबल टू. शी बॉट अ बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस. टीना प्रोमिस टू हेल्प अ मदर शेल द पी पॉट्स. उसकी मम्मी ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल भी लिया. टीना की फेवरेट वेजिटेबल क्या थी? बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस. टीना की जो फेवरेट वेजिटेबल थी वो थी बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस. तो उसकी मम्मी ने, टीना की मदर ने उसके लिए जो टीना की जो फेवरेट वेजिटेबल थी वो भी खरीदा, एक बास्केट भर करके उन्होंने ग्रीन पीस लिया. और टीना ने प्रॉमिस किया कि वो मम्मी की हेल्प करेगी पीस को छुड़ाने में. जो एक एक हरी मटर होती है उसको बोलते हैं पी पॉड्स. तो उसको हमें छिलके से हटाना पड़ता है ना, अंदर से पीस निकालने होते, छिलका छुड़ाना होता है. तो टीना ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी मम्मी की हेल्प करेगी. देयर शॉपिंग बैग्स आर फुल ऑफ वेजिटेबल्स. टीना हैड एंजॉयड हर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. शी एंड हर मदर रिटर्न होम टायर्ड बट हैप्पी एंड कंटेंटेड. तो उनके अभी शॉपिंग बैग्स, इतनी सारी वेजिटेबल्स लिया तो ऑब्वियसली शॉपिंग बैग जो उनका था वो एकदम वेजिटेबल से भरा हुआ था. उन्होंने अपनी टीना को जो वेजिटेबल शॉप पे वो गई थी उसको बहुत मजा आया. शी एंजॉयड इट वेरी मच. वो और उसकी मम्मी दोनों घर लौटे, दे वर वेरी टायर्ड बट वेरी कंटेंटेड. मतलब दे वर वेरी सैटिस्फाइड विद देयर परचेज. जो उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदी थी उससे वो बहुत सैटिस्फाइड थे. कंटेंटेड मीन्स सैटिस्फाइड, संतुष्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुत संतुष्ट थे. Tina quickly squeezed a lemon and made some chilled lemonade for her mother. Tina ने जल्दी से एक नींबू निचोड़ा. squeeze मतलब दबाना, प्रेशर लगा के जो हम नींबू को दबाते हैं उसको कहते हैं squeeze करना. तो Tina ने जल्दी से एक नींबू निचोड़ करके अपनी मम्मी के लिए एकदम ठंडा lemonade बनाया.
लेमनेड जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिकंजी या नींबू पानी बोलते हैं। गर्मी में बहुत रिफ्रेशिंग लगता है पीने में ना, ठंडे ठंडे पानी में नींबू का रस डालते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा शुगर डाला एंड मिक्स करके पीने में बहुत मजा आता है। तो टीना ने अपनी मम्मी के लिए एकदम चिल्ड मीन्स एकदम ठंडा ठंडा लेमनेड बनाया। दैट वॉज टीनाज वे ऑफ थैंकिंग हर मदर। ये टीना का तरीका था अपनी मदर को थैंक्स बोलने का, बिकॉज हर मदर हैड टेकन हर टू द वेजिटेबल शॉप। उसकी मम्मी जो है उसको वेजिटेबल शॉप पे लेकर गई थी एंड दैट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर टीना। मे बी शी हैड नेवर बीन टू अ वेजिटेबल शॉप, तो उसके लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था। शी गॉट अ बिग हग एंड अ किस इन रिटर्न। बदले में उसकी मम्मी ने टीना ने अपनी मम्मी को ठंडा एकदम लेमनेड बना के दिया, तो बदले में उसकी मम्मी ने उसको हग किया, गले लगाया और एक किस दिया। ये उसकी मम्मी का दैट वॉज हर मदर्स वे ऑफ थैंकिंग टीना, बिकॉज टीना मेड चिल लेमनेड फॉर हर। ओके, सो दिस लेसन, इस लेसन को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप यू ऑल रिमेम्बर द लेसन नाउ। सबको लेसन याद है, मतलब याद आ गया कि लेसन में क्या है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द टेल यू द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, मतलब एक बार हम वर्ड मीनिंग्स भी रिवाइज कर लें। डिक्टेशन वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, एक बार हम वर्ड मीनिंग इसकी रिवाइज कर लेते हैं। ब्राइट, ब्राइट मीन्स शाइनिंग, समथिंग विच शाइन्स, जिसको बोलते हैं ना बहुत ब्राइट कलर्स है, वेरी ब्राइट कलर ड्रेस, मतलब बहुत ब्राइट से कलर की, बहुत चमकदार। वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, जैसे वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट वेंडर, और जैसे हम जब रोड पे जाते हैं तो रोड के किनारे आप देखते हो कि बहुत सारे होते हैं जो छोटी छोटी शॉप लगा करके या ठेलों पे सामान बेचते हैं, बहुत तरह, दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो दे आर नोन एज वेंडर। वेंडर मीन्स सेलर। देन लेडन, लेडन मीन्स लोडेड, तो भरा हुआ, फुल ऑफ। द शॉप वॉज लेडन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, द शॉप वॉज लेडन विद फ्रूट्स, मतलब भरा हुआ। देन ह्यूज, ह्यूज मीन्स एक्सट्रीमली बिग, बहुत बड़ा। जैसे एक तो होता है बिग, बिग मतलब बड़ा। वेन समथिंग इज वेरी बिग, जैसे बड़ाई की भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है ना, कोई चीज बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है, कोई बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होता है। लाइक टाइगर, वी कैन से टाइगर, इफ वी कंपेयर अ टाइगर विद अ माउस, वी से टाइगर इज अ बिग एनिमल, माउस इज अ स्मॉल एनिमल। बट इफ यू कंपेयर टाइगर एंड एन एलिफेंट, वी से टाइगर इज बिग बट एलिफेंट इज वेरी बिग, एलिफेंट इज ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा सा। सो ह्यूज मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी बिग। देन 1 किलोग्राम, किलोग्राम इज द मेजरमेंट ऑफ वेट। जैसे हमने मैथ में पढ़ा है कि अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, जो हम वेट मेजर करते हैं दैट इज किलोग्राम। देन हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी दैट फिट्स द हैंड, जैसे एक मुट्ठी जिसको बोलते हैं, मतलब जितनी, जैसे हमने उसे कोरिएंडर लिया जितनी उसके हाथ में आ गई, या कोई भी चीज हमने ऐसे करके उठाया जितनी हमारे हाथ में, मतलब ऐसे मुट्ठी में आ गई, सो दैट इज हैंडफुल। शेल, शेल का मतलब होता है रिमूव द आउटर कवरिंग, शेल मतलब छिलका भी होता है, ठीक है, शेल का मतलब छिलका भी होता है, और शेल का मतलब होता है छीलना किसी भी चीज की बाहर की जो कवरिंग, जैसे शेल द ऑरेंज, ऑरेंज है जैसे संतरा है, उसकी आपने बाहर की हम कवरिंग हटा के खाते हैं, छिलका हटा के खाते हैं, तो दैट इज शेल। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स वेरी सैटिस्फाइड। दे रिटर्न्ड होम टायर्ड बट कंटेंटेड, वो लोग घर लौटे बहुत थके हुए थे बट दे वर वेरी सैटिस्फाइड, मतलब जो भी परचेज किया था उन्होंने, जो जो भी वेजिटेबल्स खरीदी थी, दे वर वेरी सैटिस्फाइड विद देयर परचेज। देन स्क्वीज्ड, स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस समथिंग वेरी बहुत, मतलब किसी चीज को बहुत जोर से दबाना, जैसे लेमन होता है, लेमन को हम जोर से दबाते हैं तब उसमें से रस निकलता है। जैसे आप टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, व्हेन यू स्क्वीज इट, जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसमें से टूथपेस्ट निकलता है, या फॉर दैट मैटर एनी ट्यूब, किसी ऑइंटमेंट की ट्यूब है तो उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से ऑइंटमेंट निकलता है, तो स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज को जोर से प्रेस करना, प्रेस समथिंग फॉर्मली।
ओके. एंड चिल, चिल मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा. एक तो है ठंडा, आई वॉन्ट कोल्ड वॉटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोल्ड वॉटर. वी लाइक ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर. कोल्ड मीन्स ठंडा, चिल्ड मतलब बहुत ठंडा, इससे बहुत गर्मी है, ठंडा पानी लिया उसमें एड लॉट ऑफ आइस इन इट एंड इट बिकम्स एब्सोल्युटली चिल्ड. चिल्ड मीन्स बहुत ठंडा. ओके नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज, पेज नंबर 46. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. इसके अब हम एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन. Comprehension. Select and tick the correct option. First is SELECT. Select and tick the correct answer. First is the name of the vegetable vendor was. Vegetable vendor ka naam kya tha? Is Sohanlal. B is Babu Ram and C is Mohan Lal. What was the name of the vegetable vendor? Vegetable vendor's name was Mohan Lal. We will put a tick on Mohan Lal. Second is T-I-N-A-S, Tina's. Favorite vegetable was A. Green peas, B is cauliflower and C is spinach. ग्रीन पीस जिसको हरी मटर कहते हैं, कॉलीफ्लावर इज फूल गोभी एंड स्पिनच इज पालक. तो टीना की फेवरेट वेजिटेबल क्या थी? टीना फेवरेट वेजिटेबल वॉज ग्रीन पीस. हर मदर बॉट अ बास्केट फुल ऑफ, हर मदर बॉट टीनाज फेवरेट वेजिटेबल टू, शी बॉट अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन पीस. फेवरेट मीन्स सबसे पसंद आने वाला, सबसे पसंद वाली चीज. देन थर्ड इज Tina made some orange juice B is lemonade and C is milkshake. टीना मेड सम ऑरेंज जूस लेमनेड मिल्क शेक. टीना ने क्या बनाया? टीना मेड सम लेमनेड. चिल लेमनेड बनाया था ना उसने अपनी मम्मी के लिए, तो शी मेड सम चिल लेमनेड. एंड फोर्थ इज दे डिड नॉट बाय. द क्वेश्चन इज दे डिड नॉट बाय. A is cabbage, B is pumpkin and C is spinach. So the question says कि उन्होंने क्या नहीं खरीदा. They did not buy. So इसमें none of the answer is correct because
they bought cabbage also. Her mother bought a big leafy cabbage, pumpkin. Tina selected a huge pumpkin and spinach. Spinaches. Tina's mother bought bunches of spinach also. It is written here they. They means Tina and Tina's mother. If it is only one, then अगर टीना या सिर्फ टीना की मम्मी की हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं शी, बट हियर दे इज यूज्ड. दे मींस दे इज फॉर यूज फॉर प्लूरल. सो दे मींस टीना एंड टीनाज मदर बोथ. सो दोनों ने, उन लोगों ने क्या नहीं खरीदा, कैबेज, पंपकिन, स्पिनच, दे बॉट ऑल दीज थ्री वेजिटेबल्स. सो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट. इसलिए इसमें हम किसी पे भी ट्रिक नहीं लगाएंगे बिकॉज दे बॉट ऑल दीज थ्री वेजिटेबल्स. ओके, नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज बी. भोलू द मंकी इज कंफ्यूज्ड. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नीचे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं. ही नीड्स टू सर्कल द ऑड वन आउट. उसको जो इनमें से ऑड है उसको सर्कल करना है. ऑड मीन्स जो सबसे अलग. ऑड का मतलब है जो सबसे अलग. तो उसको जो ऑड वन आउट है, जो अलग है, उसको सर्कल करना है. ठीक है ना. कैन यू हेल्प हिम. क्या आप उसको हेल्प कर सकते हो. फर्स्ट इज कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना एंड अनियन. फर्स्ट इज कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना एंड अनियन. सो आउट ऑफ दीज फोर वी हैव टू सर्कल द ऑड वन आउट. मतलब इन चारों में जो अलग है. व्हाट इज डिफरेंट. कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मतलब क्या होता है, कॉलीफ्लावर इज गोभी. पोटैटो, पोटैटो क्या है, आलू. बनाना, बनाना मतलब केला. और अनियन, अनियन इज प्याज. सो विच इज ऑड आउट ऑफ दीज फोर. बनाना इज ऑड बिकॉज बनाना इज अ फ्रूट. रेस्ट थ्री आर वेजिटेबल्स. कॉलीफ्लावर, पोटैटो, अनियन, दीज थ्री आर वेजिटेबल्स. वेयर एज बनाना इज अ फ्रूट. सो बनाना इज द ऑड वन आउट, डिफरेंट है. सेकेंड इज ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. विच इज डिफरेंट. ब्रिंजल का मतलब क्या है. ब्रिंजल इज बैंगन. एप्पल इज सेब. ऑरेंज संतरा. एंड ग्रेप्स अंगूर. एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स ये तीनों क्या है. These three are fruits. Apple एक fruit है, orange fruit है, grapes fruit है, whereas brinjal is a vegetable. So we will encircle brinjal. Brinjal को हम circle करेंगे because brinjal is vegetable, rest three are fruits. तो हमें यहाँ पे जो बाकी तीन से अलग है उसको circle करना है. Now third is spinach, cabbage, peas and pear. Spinach, spinach is पालक. कैबेज, कैबेज को जिसको हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं, देखा होगा कैबेज को. कैबेज लीव्स की बहुत सारी लेयर होती है, बड़े बड़े थोड़े पत्ते होते हैं राउंड राउंड से, एंड उसकी पूरी लेयर होती है, एक के ऊपर एक करके पूरी राउंड सी कैबेज होती है. फूल गोभी में तो फ्लोरेट्स होते हैं अंदर, साइड में उसकी लीव्स होती है. कैबेज में सिर्फ पत्ते होते हैं. तो कैबेज इज पत्ता गोभी. स्पिनच, पीस, पीस इज हरी मटर. और पेयर, पेयर इज अ फ्रूट. ठीक है, स्पिनच क्या है, पालक है, वेजिटेबल है. कैबेज पत्ता गोभी, दिस इज ऑल्सो वेजिटेबल. पीस, पीस हरी मटर, ये वेजिटेबल है. वेयर एज पेयर, पेयर इज फ्रूट. पेयर जो है वो फ्रूट है. सो विच इज ऑट, पेयर इज ऑट, क्योंकि ये एक फ्रूट है. रेस्ट थ्री आर वेजिटेबल्स. देन पम्पकिन, कैरेट, बीटरूट एंड मैंगो. पम्पकिन, पम्पकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कद्दू. पम्पकिन इज कद्दू. कैरेट क्या है, कैरेट इज गाजर. बीटरूट, बीटरूट को हिंदी में चुकंदर बोलते हैं. मैंगो, मैंगो आम है, सबको मालूम है. तो विच इज ऑट, इसमें मैंगो इज ऑट बिकॉज पम्पकिन, कैरेट, बीटरूट, दीज थ्री आर वेजिटेबल्स. वेयर एज मैंगो इज अ फ्रूट. सो वी विल इनसर्कल मैंगो. देन पाइनएप्पल, गुआवा, मेलन एंड कैप्सिकम. पाइनएप्पल जिसको हिंदी में हम अनन्नास बोलते हैं, देखा होगा सबने,
ऐसे लंबा सा फ्रूट होता है, इसके ऊपर थोड़ी ऐसी लीव्स जैसी होती है, लीव्स उसकी थोड़ी हार्ड कड़ी कड़ी सी होती है। एंड पाइनएप्पल ऊपर से बहुत स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा कांटा कांटा जैसा रहता है। एंड उसको उसके ऊपर की जो शेलिंग है, उसको शेल करने का तरीका, मतलब उसको छीलने का तरीका, देन उसको कट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, सो पाइनएप्पल इज अनानास, गुआवा इज अमरूद, मेलन इज खरबूजा, एंड कैप्सिकम इज शिमला मिर्च जो ग्रीन कलर की होती है, इतनी बड़ी बड़ी। पाइनएप्पल, गुआवा एंड मेलन, दीज थ्री आर फ्रूट्स, ये तीनों क्या है, फ्रूट्स है। एंड वेयर एज कैप्सिकम क्या है, कैप्सिकम जो है वो एक सब्जी है, वेजिटेबल। सो कैप्सिकम इज डिफरेंट बिकॉज इट इज वेजिटेबल, रेस्ट थ्री आर फ्रूट्स। देन फ्रेंच बीन्स, चिली, जिंजर एंड प्लम। फ्रेंच बीन्स क्या है, फ्रेंच बीन्स एक वेजिटेबल है। चिली इज अगेन वेजिटेबल, हरी मिर्च। फ्रेंच बीन्स को हिंदी में भी फ्रेंच बीन्स ही बोलते हैं। चिली क्या है, हरी मिर्च। जिंजर जिसको अदरक बोलते हैं, और प्लम एक फ्रूट है, हिंदी में उसको बोलते हैं खुबानी, पहाड़ों पे ज्यादा होता है। जैसे पेयर है, प्लम है, ये दोनों फ्रूट्स पहाड़ों पे ज्यादा होते हैं, हर जगह आपको ये फ्रूट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंच बीन्स, चिली एंड जिंजर, दीज थ्री आर वेजिटेबल्स, वेयर एज प्लम इज अ फ्रूट। सो आउट ऑफ दीज फोर प्लम इज द ऑड वन आउट, इन चारों में प्लम जो है वो सबसे अलग है। ओके, द थर्ड एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ओरली, नेक्स्ट क्लास में इसका हम रिटन रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, ऑन विच स्ट्रीट डिड मोहनलाल हैव हिज शॉप, मोहनलाल की शॉप किस स्ट्रीट पे थी, मोहनलाल की शॉप जो थी वो किस स्ट्रीट पे थी, क्या नाम था स्ट्रीट का। सो मोहनलाल शॉप वॉज ऑन एमजी स्ट्रीट, कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट, कॉर्नर नहीं भी लिखने से चलेगा बिकॉज हियर यू जस्ट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द स्ट्रीट, जो सड़क का जो नाम था। सो ऑन विच स्ट्रीट डिड मोहनलाल हैव हिज शॉप, मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन एमजी स्ट्रीट। नाउ यू कैन से दैट क्वेश्चन में तो ऑन विच स्ट्रीट डिड मोहनलाल हैव हिज शॉप, and when we write the answer we write Mohanlal had is the past form of have। okay, question mein since did is used, did did use kiya hai, to did ke sath hum verb ka first form use karte hain। theek hai, so when we write the answer mein uska hum past form use hota hai, so past form of have is had because the lesson is in past tense, lesson jo hai wo past tense mein ki Tina apni mummy ke sath vegetable shop pe gayi, वहां उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो टीना को लेकर जाएंगी, वो लोग वेजिटेबल शॉप पे गए, क्या क्या उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदा, फिर टीना ने क्या अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया, टीना ने अपनी मम्मी के लिए क्या बनाया। सो द लेसन इज इन पास्ट फॉर्म, सो देयरफॉर व्हेन वी राइट द आंसर वुड बी मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन एमजी स्ट्रीट। देन क्वेश्चन नंबर टू इज विच वेजिटेबल्स डिड टीना सेलेक्ट, मतलब टीना ने क्या क्या वेजिटेबल्स सेलेक्ट किया, उसकी मम्मी ने टीना को बोला ना सेलेक्ट करने के लिए, तो वो टोल्ड टीना सेलेक्ट, टीना सेलेक्टेड सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन, अ फ्रेश कॉलीफ्लावर, अ जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट। टीना ने क्या क्या सेलेक्ट किया था, एक कुछ ऑरेंज कैरेट्स ऑरेंज होते हैं कलर के, उनके मतलब कैरेट्स का कलर ऑरेंज होता है, तो उसने कुछ ऑरेंज कैरेट्स लिए थे, एक बड़ा सा पम्पकिन लिया, एक फ्रेश कॉलीफ्लावर ली, जूसी टोमेटोज लिए एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट। सो टीना सेलेक्टेड सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन, अ फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट। देन थर्ड इज विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीनाज मदर बाय, टीना की मदर ने कौन कौन से ग्रीन वेजिटेबल्स लिए, नॉट ऑल द वेजिटेबल्स, ग्रीन, तो क्या क्या लिया, ग्रीन टीनाज मदर बॉट सम बंचेस ऑफ स्पिनेच, सम फ्रेंच बीन्स एंड अ बिग लीफी कैबेज। ठीक है, नाउ हियर ऑल्सो इन क्वेश्चन यू विल से विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीनाज मदर बाय, सो क्वेश्चन में क्या है, बाय है, एंड व्हेन वी राइट द आंसर वी विल राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब बाय।
So Tina's mother bought bunches of spinach, some French beans and a big leafy cabbage. The next question is, what did Tina's mother give her in return for her kind deed? Deed का मतलब होता है कोई भी काम. तो kind deed का मतलब है कि टीना ने जो घर आकर के जो मम्मी के लिए लेमनेड बनाया, that was kind deed. Question again, you will see, what did Tina's mother give? टीना की मदर ने क्या दिया? And when we write the answer, we will write Tina's mother gave. We will use the past form of this verb, give. Okay? So Tina's mother gave her a hug and a kiss in return for her kind deed. Okay? So today, children, we have done the question answers orally. In the next class, we will do the question answers written work karenge. Okay? So I hope whatever we have done, it is clear to you. In the next class, we will be doing question answers. Then we will be doing grammar exercises. In this lesson, we will learn a new topic. से ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इस लेसन में हम एक दूसरा नया एक पार्ट पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव डन इट अर्लियर आल्सो, दिस इज रिवीजन, सो वी विल रिवाइज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू सो मच.